जोन कैसा आप सब? आई थिंक सब अच्छे हैं गाइज। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, ठीक है। कई लोगों के मैसेजेस आ गए, ठीक है। अभी तुरंत अपडेट आया है कि एक अभी ट्वीट आया था, ठीक है। यहाँ पे एक ट्वीट आया है कि जो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है गाइज कि जो परीक्षाएं हुए हैं, अब वो परीक्षाएं 30 जून के बाद से यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगी कि कब किसके किसके कब परीक्षाएं होंगी। तो गाइज ये सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि कई सारे ये ट्वीट आए थे, इसमें 2 से 3 लाइन का ये ट्वीट था पूरा कि राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं सेमेस्टर परिणाम 30 जून 2020 के बाद प्रारंभ कराई जाए। गाइज ये सबसे बड़ी अपडेट है गाइज। एक तरह से अगर आप यूजीसी की गाइडलाइन देखें तो यूजीसी ने अपने गाइडलाइन में साफ साफ कहा था गाइज कि जो परीक्षाएं होंगी वो रेड जोन, अगर कंडीशन ठीक नहीं रहता तो वहां पे एग्जामिनेशन नहीं कराए जाएंगे। तो गाइज इस गाइडलाइन का भी यहाँ पे देखिए पालन नहीं किया गया है। अब देखिए क्या होता है। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन, ये नॉर्मल केवल ट्वीट करके बताया गया है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी ऑफिशियल है, बताया गया कि अब जो परीक्षाएं होंगी वो 30 जून से कराई जाए, 30 जून के बाद यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि एग्जाम की परीक्षाएं कब हो, सेमेस्टर परीक्षाएं या जो भी परीक्षाएं बची है। तो गाइज आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, थोड़ा आराम से धैर्य से धीरे से पढ़ाई करिए, ठीक है। अभी 30 जून को ये डिसाइड होगा कि आखिर परीक्षा कराया जाए या ना कराया जाए, क्योंकि डे बाई डे आप भी देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, और इसमें पॉसिबल नहीं है कि किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को बुला के कोई भी यूनिवर्सिटी पेपर करा ले। गाइज अभी बस ये सोचने वाली ट्वीट है, ठीक है। अभी आप इस पे ज्यादा परेशान ना होइएगा, बस अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल नहीं आया, बस ये ट्विटर हैंडल से चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्वीट से आया हुआ है, ठीक है। गाइज आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अब मैं आपको आगे की अपडेट दे पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच।